आज कैसा विलक्षण संयोग है, आज कैसा अलौकिक उत्सव है, जिनकी एक झलक पाने को जनता बेताब रहती है, अपने पलक पावड़े बिछाए रहती है, जिनके करीब पहुंचना बेहद दुरूह कार्य है। आज वह सब भी वीवीआईपी एक साथ एकत्र हैं, वह भी आम जन की तरह। आज तो वीवीआईपी सिर्फ रामलला हैं। जिनकी चौखट पर सब शीश नवाने आए हैं, बधाई देने आए हैं, वह चाहे जननायक अमिताभ बच्चन हो या ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी या फिर हिंदू राष्ट्र की मुखर पैरवी करने वाले बाबा बागेश्वर धाम, सभी सनातन धर्म के नव सूर्य के उदय से प्रफुल्लित हैं। वह अपने को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उनको मौजूद रहने का मौका मिला, उन्हें साक्षी होने का अवसर प्राप्त हुआ। रामलला की अलौकिक छवि देखकर सभी भाव विवल हो गए, कईयों के तो नैनों से अश्रुधारा बह निकली। मेजबानी की भूमिका अदा कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल खोलकर सभी का आदर सत्कार किया। सभी लोग मुख्यमंत्री की मेहमान नवाजी से बेहद खुश हैं। मुख्य मेहमानों की बात करें तो सांसद हेमा मालिनी, रजनीकांत, कंगना रनौत, चिरंजीवी, उनके पुत्र रामचरण, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, साइना नेहवाल, कैटरीना कैफ, विक्की कौशल, आलिया भट्ट, रणवीर कपूर, जैकी श्रॉफ, देवकी नंदन ठाकुर, रणदीप हुड्डा आदि मौजूद रहे। इन सब के बीच में सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल और शंकर महादेवन ने अपनी प्रस्तुतियां भी पेश की।